हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हमारे चैनल फायर फाइटिंग इंजीनियरिंग में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप लोगों के प्यार और रिस्पॉन्स से हमारी मेहनत रंग ला रही है। हमारे चैनल से बहुत से लोग, वो भी बहुत कम टाइम के अंदर जुड़ चुके हैं। जैसा भी हमारा एक ही टारगेट था कि इस चैनल को शुरू करने का, कि लोगों को फायर फाइटिंग सिस्टम की फील्ड की जानकारी देना और इस फील्ड की छोटी से छोटी जानकारी से रूबरू करवाना। और इस टारगेट में हमारी पूरी टीम पूरी मेहनत से लगी हुई है। जो भी हमारे इस चैनल के मेंबर हैं, वो अपना एक्सपीरियंस हर सिटी से आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी तक हमने इस चैनल पर जितनी भी वीडियोस डाली हैं, उनका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आप सबकी तरफ से मिला है। और आप आगे भी गुजारिश है कि आप ऐसे ही अपना स्नेह और प्यार बरकरार रखें, बनाए रखें। साथ ही साथ जो लोग अभी नए जुड़ रहे हैं, जो भी व्यूवर्स अभी नए देख रहे हैं हमारे चैनल पर, उनको मैं बता दूं कि हमने ये चैनल फायर फाइटिंग सिस्टम से जुड़ी हर जानकारी को आपसे बांटने के लिए बनाया है। जब हमने शुरू में ये चैनल बनाया था तो 5 मेंबर जुड़े थे, और अब इस चैनल से और भी लोग जुड़ चुके हैं जो कि अपने साइट का एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं हमारे और आपके साथ। ये हमारा एक इंट्रोडक्शन का वीडियो है, और साथ ही साथ आप लोग को थैंक यू भी बोलना था। और हमारे चैनल से जुड़िए और इसे लोगों तक चाहिए, और जिससे उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। इस चैनल पर हम लोग जैसे चारों चीज़ों के बारे में बात करते हैं, चारों चीज़ जैसे फायर स्प्रिंकलर सिस्टम, फायर पंप रूम, फायर सप्रेशन सिस्टम और फायर अलार्म सिस्टम, इन चारों चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। उससे रिलेटेड एक एक वीडियो हम डालते रहते हैं। आपको रिकॉल करते हैं इस चैनल पर हमने क्या क्या ऐड किया है। जैसा कि पहले हम इस चैनल पर फायर फाइटिंग सिस्टम की जानकारी देते थे, लेकिन अब हमने कुछ नई चीज़ें भी इसमें ऐड की हुई हैं, वो चीज़ें हम आपको बताते हैं। अब हम इस चैनल पर जो फायर फाइटिंग से रिलेटेड जो कंपनी है, उसमें जो वैकेंसीज आती हैं, उसके बारे में भी हम जानकारी देंगे। साथ ही साथ हम फायर फाइटिंग सिस्टम में यूज़ होने वाली पाइप फिटिंग, पंप, इन सब चीज़ों के प्राइस के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। फायर फाइटिंग सिस्टम के 4 मेन फील्ड जो हैं, जो हम कवर करते हैं, जैसे कि फायर स्प्रिंकलर सिस्टम है, फायर सप्रेशन सिस्टम है, फायर अलार्म सिस्टम है, फायर पंप रूम है, और साथ ही साथ एक और चीज़ हम बता देते हैं, फायर हाइड्रेंट सिस्टम है। इसके बारे में हम आपको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे। ये हमारा एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है। इसमें हमने अपने चैनल पर कौन कौन सा कंटेंट डाला है, टॉपिक वाइज डिटेल में जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हमने इसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि आप हमारे चैनल से जुड़ेंगे तो आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो एक शॉर्ट में ये वीडियो है जिसको आप लास्ट तक देखिएगा। देखिए, सबसे पहले इसमें जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होंगे, 4 पिक्स दिख रही हैं, जिनमें से 4 सिस्टम हैं, स्प्रिंकलर सिस्टम, हाइड्रेंट सिस्टम, सप्रेशन सिस्टम एंड अलार्म सिस्टम। तो इन 4 सिस्टम को हमने स्टार्टिंग के वीडियोज़ में हमने एक्सप्लेन किया है। अब देखिए, स्प्रिंकलर सिस्टम में सबसे पहले हमने स्टार्ट किया है ब्लैक स्प्रिंकलर से, इसको हमने अच्छे से डिटेल में समझाया है। फिर आएंगे हम रेड स्प्रिंकलर पे और येलो स्प्रिंकलर, फिर ग्रीन स्प्रिंकलर की बात करते हैं कि ये कहाँ लगता है, इसको अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया है। फिर आते हैं नेक्स्ट टाइप, यानी कि कंसील्ड स्प्रिंकलर, ठीक है, ये क्या है, इसको अच्छे से हमने समझाया है। और फिर आते हैं हम अपने फायर पंप रूम पे, इसके देखिए हमने 2 पार्ट अपलोड किए हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा लेंथी टॉपिक है। तो इसके फर्स्ट पार्ट में हमने बेसिक की बात की है, जिसमें हमने पंप रूम का सारा बेसिक समझाया है। उसके बाद सेकेंड पार्ट में हमने सेंट्रीफ्यूगल और रेसिप्रोकेटिंग पंप को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, इसके डिफरेंस क्या होता है, कैसे काम करता है, ये सब चीज़ें हमने अच्छे से एक्सप्लेन की हैं। और फिर आता है हमारा GI पाइप्स। तो GI पाइप्स के इसके कई सारे वीडियोस हमने अपलोड किए हैं, इस पर काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला था, तो इसको हम डिटेल में काफ़ी अच्छे से हमने इसको समझाया है अपने वीडियोस में। तो देखिए, इसका फर्स्ट पार्ट में हमने इसका पूरा बेसिक बताया है, GI पाइप क्या होता है, कहाँ यूज़ होता है हर चीज़। उसके बाद हमने इसके क्लासिफिकेशन की बात की है, यानी कि इसके क्लासेस ABC टाइप्स। फिर हमने प्राइमिंग की बात की है कि GI पाइप पे प्राइमर क्यों लगता है, कौन सा लगता है, ये आपको जानना है तो आप वीडियो से जा सकते हैं। उसके बाद हमने अपलोड किया है GI पाइप पे ही एक, कि इस पे जो प्योर रेड पेंट यूज़ किया जाता है वो कब किया जाता है, क्यों किया जाता है, ठीक है। तो इसमें पेंटिंग की बात की गई है GI पाइप की, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद हमने साइट वीडियो एक अपलोड किया है, जिसमें हमने ये दिखाया है कि फायर स्प्रिंकलर टेस्टिंग कैसे हो रही है, तो ये सक्सेसफुल रही थी, आप जहाँ से जाके देख सकते हैं, ये साइट का वीडियो है। उसके बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमने वीडियो अपलोड किया है,
जिसमें हमने ये बताया है कि फायर इंटरव्यू में टॉप मोस्ट 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हो सकते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। तो अगर इंटरव्यू देने जाएं तो उससे पहले वीडियो ज़रूर देखें, आपके ज़रूर काम आएगा, ठीक है। उसके बाद हमने वीडियो अपलोड किया है मॉड्यूलर ऑटोमेटिक एक्सटिंग्विशर पे, तो आप इसको अच्छे से डिटेल में समझ सकते हैं, काफ़ी अच्छा इस पर रिस्पॉन्स मिला था। उसके बाद आता है हमारा वीडियो 90 डिग्री एंगल से कटिंग, ठीक है। तो इसको हमने, ये साइड का वीडियो है, आप यहाँ से देख सकते हैं कि किस तरह से कटिंग हो रही है, इसको आप यहाँ पर जान सकते हैं। उसके बाद आता है वेल्डिंग पार्ट। वेल्डिंग में देखिए आर्क वेल्डिंग हमने दिखाई है, किस तरह से आर्क वेल्डिंग हो रही है, ये भी साइड का वीडियो है, इसमें आप देखेंगे किस तरह से वेल्डिंग हो रही है और इसके बारे में जानेंगे। जीआई पाइप वेल्डिंग। और फिर आता है हमारा एयर रिलीज वाल्व, इसके बारे में हमने अच्छे से समझाया है कि ये किस तरह से काम करता है, इसका वर्किंग क्या है, और आपको जानना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद फायर अलार्म सिस्टम में हमने सबसे पहले बात की है फ्लैशर हूटर की, इसके बारे में बताया है कि इसकी वर्किंग क्या होती है, यूज़ इसका एप्लीकेशन कैसा होता है, इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो फ्लैशर हूटर के बारे में अगर जानना है तो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। उसके बाद इसकी साइट की हमने दिखाई है टेस्टिंग, कि किस तरह से इसकी टेस्टिंग हो रही है और ये टेस्टिंग सक्सेसफुल रही थी, ठीक है। तो आपको देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद आता है फायर होस रील, इसको हमने काफ़ी डिटेल में समझाया है, एक एक इसका पॉइंट पे बात की है, जैसे कि रेंज, प्रेशर, पार्ट्स, लेंथ, डायामीटर, और लास्ट में हमने एप्लीकेशन जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उस पर बात की है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे जल्दी ही एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।